अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद याकूब। दोस्तों आज मैं आपसे तस्कर करूंगा एक फिल्म का, द रेशम। कल ही मैंने देखी है और मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी, और उसमें सीखने के लिए इतना कुछ है कि मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्तों से और आप लोगों से यह जरूर शेयर करनी चाहिए। एक इंडियन फिल्म है, स्टोरी कुछ किस तरह से है कि अजय देवगन हीरो है उसमें, हीरो उसमें, और उसकी फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है, और उस प्रॉब्लम को वो सेटल डाउन कैसे करता है, पूरी फिल्म उसी पे घूमती है। वो एक चार जमात पास शख्स है, उसका केबल का बिजनेस है, लेकिन उसका शौक ये है कि वो केबल का बिजनेस करता है और फिल्में बहुत शौक से देखता है। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात वो जितनी फिल्में देखता है वो इतनी डीपली फिल्में देखता है और इतनी चीजें उसकी ऑब्जर्व करता है कि वो सारी चीजें उसकी जिंदगी में उसके काम आती हैं। उस फिल्मों के अंदर जो जो टेक्निक्स यूज की गई होती हैं या जो जो स्टोरीज वो देखता है उसको वो विजुलाइज करता है और अपने अंदर उसको स्टोर करता है, और फिर जिंदगी में जब उसके साथ एक प्रॉब्लम आता है तो फिर वही वो तमाम फिल्में जो उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी में देखी होती हैं उसी की मदद से वो उस अपने प्रॉब्लम को सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। असल में इस फिल्म का जो कंसेप्ट है वो है पावर ऑफ विजुलाइजेशन, कि आप जो चीजें विजुलाइज करते हैं उस पावर को, विजुलाइजेशन की पावर को आप कैसे यूज करते हैं और कैसे आपके लिए हेल्पफुल होती है। हम जो जिंदगी में हम जो भी करना चाह रहे हैं, मेरे एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं शकील साहब, वो अक्सर मुझे फिल्मों के नाम और टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा फिल्में देखने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फिल्मों के नाम और टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं, शाहिद ये वाली फिल्म देखो, शाहिद ये वाली फिल्म देखो। उनको उनको मेरी आदत का पता है, तो मैंने भी अभी पहले तो मैं इतना ज्यादा गौर नहीं करता था क्योंकि मैं फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन अभी उनकी बार बार की एडवाइसेस के बाद मैंने फिल्में देखनी शुरू की हैं। तो रात भी ये फिल्म जब मैंने देखी तो मैं बिल्कुल उसको बहुत डीपली और उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके स्टोरी पे गौर कर रहा था, उसमें जो जो चीजें वो इस्तेमाल हो रही थी वो देख रहा था। तो मैंने उस फिल्म को ये पाया कि ये फिल्म जो है ये पावर ऑफ विजुलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, कि वो जो जो चीजें देखता है उसको अपने अंदर रिसीव करता है और फिर उसके साथ जिंदगी में जो प्रॉब्लम आता है तो वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना उसको विजुलाइज करता है। कि मुझे इसका ये स्टोरी मैंने कैसे लेके चलनी है, इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने कैसे लेके चलना है, मैं किस तरह चलूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। वो इस फिल्म में एक उसकी फैमिली से एक मर्डर हो जाता है, अब उस मर्डर को उसने छुपाना होता है एक्चुअली कि ये हुआ ही नहीं है और किसी को पता ना चले, तो उसमें वो चीजें विजुलाइज करता है और फिर उसी लिहाज से वो अपनी सारे स्टेप बाय स्टेप वो करता है और फिर वो अपने रिजल्ट्स गेन कर लेता है। दूसरी इस फिल्म में जो चीज थी वो ये थी कि खौफ, आपके अंदर का जो खौफ होता है ना वो खौफ आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है। वो खौफ आप वैसे नहीं, शायद लोग आपके बारे में कुछ जान सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं या अपने स्टेप आपके आपके अगले स्टेप के बारे में जान सकते हैं या आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, वो हमारे अंदर का जो खौफ होता है ना वो पोर्ट्रे कर देता है उन लोगों के लिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आप अपने खौफ पर काबू पा लें तो कोई आपको हरा नहीं सकता या कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। आपका खौफ आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आप चीजों से नहीं शिकस्त खाते, आप अपने खौफ से शिकस्त खा जाते हैं। जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ करने लगते हैं तो फियर जो है, नाकामी का खौफ, किसी को खो देने का खौफ, जिंदगी में बहुत सारे खौफ हैं। आप नेट पे सर्च करें आपको इतनी सारी डिटेल मिलेगी कि आप, हमारी जिंदगी में हर लम्हा में किसी चीज का खौफ होता है। तो अगर हम उन खौफ पे काबू पाने की कोशिश कर लें या अपने अंदर जो हमारे खौफ होता है किसी भी काम करने से पहले अगर उस खौफ पे काबू पा लें तो हमारी जो सक्सेस रेशो होती है वो तकरीबन 99.9% हो जाती है। तीसरी इस फिल्म में ये चीज थी कि वो इस फिल्म में
जिन किरदारों को उसने अपनी फेवर के लिए यूज करना होता है वो उन लोगों से बार बार मिलता है और वो उनसे जो चीज हासिल करना चाहता है, जो रिजल्ट हासिल करना चाहता है, वो खुद से पहले उनके दिमाग में डाल देता है फिगर्स के साथ। मतलब आपको, आप जो रिजल्ट लेना चाहते हैं वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो वो उनसे जो रिजल्ट लेना चाहता है वो रिजल्ट वो उनके दिमाग में पहले से डाल देता है। फिर एक दफा दोबारा वो उनसे मिलता है और फिर दोबारा वही रिजल्ट्स जो वो उनसे लेना चाहता है या जो आउटपुट वो उनसे लेना चाहता है वो आउटपुट दोबारा उनके दिमाग में डाल देता है। तो फिल्म में जैसे जैसे स्टोरी चलती है वो केस पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो किरदार उसी तरह जिस तरह उसने अपनी स्टोरी जो उसने विजुलाइज की थी वो उसने पुलिस को सुनाई है या इन्वेस्टिगेटर्स को सुनाई है, तो इन्वेस्टिगेटर्स वो जो जो किरदार उसने बीच में शामिल किए अपनी स्टोरी के अंदर अपने केस को कंक्लूड करने के लिए, तो वो किरदार वैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन जिन लोगों का जिन जिन जगह पे वो गया होता है, जिन जिन लोगों से मिला होता है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले विजुलाइज किया होता है, उस विजुलाइजेशन के तहत वो सारे लोगों से मिलता है और फिर दोबारा एक दफा उनके पास जाता है और जो जो लास्ट टाइम उसने उनके साथ डिस्कशन की होती है या जो आउटपुट वो उनसे लेना चाहता है वो बातें दोबारा उनसे डिस्कस करता है, उनको वो बातें दोबारा याद दिलाता है कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तो मैंने आपके साथ ये हुआ था, मेरी आपकी मुलाकात इस तरह थी, इतने बजे मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, मेरी आपकी ये चीज बातचीत हुई थी, क्योंकि उसने वो सारा कुछ वो सारी पिक्चर उसने पहले विजुलाइज की हुई होती है, तो वही पिक्चर विजुलाइज जो की होती है वही उसने उनको उन किरदारों को उस पिक्चर में उन्होंने उसने एडजस्ट किया होता है, और बाद में जब वो सेकंड टाइम उनके पास जाता है और उनको लास्ट मुलाकात की सारी बातें याद करवाता है तो वो उनके दिमाग में वो बातें सख्त हो जाती हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है पुलिस इन्वेस्टिगेटर उस पर वर्कआउट करते हैं तो वो उन किरदारों को बुलाते हैं, तो किरदार वैसे ही परफॉर्म करते हैं, वही बातें करते हैं जो उसने उनके दिमाग में डाली होती हैं, उनको दोबारा जाके रियलाइज करवाया होता है और रियलाइज इस खूबसूरत तरीके से करवाया होता है कि उनको अंदाजा भी नहीं होता कि स्पेशली हमें याद करवाने आया है, वो अचानक उनके रास्ते में आता है, उस जगह पे जाता है जहां उनसे मुलाकात होता है और उनको याद दिलाता है अपनी पुरानी बात जो लास्ट उसने ट्रिप में उनके साथ की हुई होती है, और फिर जैसे जैसे किरदार पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के पास आते हैं वो वही बातें करते हैं जैसे उसने अपनी विजुअलाइजेशन में पोर्ट्रे की हुई होती है, अपनी स्टोरी में उन्होंने कहानी सुनाते हैं। एट द एंड पुलिस इस नहज पे पहुंच जाती है कि वो कोई कंक्लूजन नहीं कर पाती, उसको यकीन होता है कि इसने ये काम किया है, ये मर्डर इसकी फैमिली से हुआ है, लेकिन उसने सारी अपनी स्टेप्स सारे किरदारों को इस खूबसूरत तरीके से मैनेज किया होता है कि वो पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती, और एट द एंड वो अपना रिजल्ट जो उसने स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में जब उसने स्टोरी डिजाइन की थी कि मैंने इस केस को कैसे कंक्लूड करना है, उसने वो सारे किरदार वो सारी स्टोरी वो सारा रिजल्ट कंक्लूजन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होता है। तो दोस्तों आप भी जो जिंदगी में करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कमाना चाहते हैं, चाहे वो मोहब्बतें हो चाहे बिजनेस हो, आप उस अपनी चीजों को विजुलाइज करना सीखें, आप अपने जहन में सबसे पहले उसका स्केच बनाया करें, आप अपने आप को एक कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहते हैं तो आपको आपकी पिक्चर में आप एक एज अ कामयाब बिजनेस नजर आनी चाहिए, आप अपना ऑफिस देखना चाहते हैं तो आपका ऑफिस आपके जहन में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कोशिश करें कि उसको किसी पेपर पे या किसी ग्राफिक्स के जरिए डिजाइन करवा लें जो आप, और फिर उसको आप विजुलाइज करें, उसको वक्तन फवक्तन देखते रहें। आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए जिन जिन लोगों की जरूरत है आप उन लोगों को वक्तन फवक्तन टाइम बाय टाइम मिलते रहें और उनके साथ वो डिस्कशन करें या उनके दिमाग में उस तरह से बातें डालें जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करें, उनको वैसे डिजाइन करें, लोगों से उस तरीके से मिलें, उनसे वो डिस्कशंस करें जैसे आप उनसे रिजल्ट्स और आउटकम्स चाहते हैं। अगर आप प्रॉपर विजुलाइजेशन करेंगे, प्रॉपर होमवर्क करेंगे, प्रॉपर चीजों को डिजाइन तरीके से तरतीब से लेके चलेंगे, लेकिन इसमें आपको सब्र तहमुल और अपने अपने कंट्रोल जो मजबूत रखना है, अपने अपने एंड रिजल्ट और अपना खौफ कभी उन पे जाहिर नहीं होने देना,
और अपने अंदर से भी नाकामी का खौफ आपने बिल्कुल खत्म कर देना है। आपने ऐसे ही पोर्ट्रे करना है, आपने ऐसे ही परफॉर्म करना है जैसे आप रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप उस विजुलाइजेशन पे अमल करेंगे और जो रिजल्ट आपने डिजाइन किया है उसकी कामयाबी का 100%, 99.9% नहीं, 110% यकीन रखकर आप उस पे काम करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे दोस्तों। और जिंदगी में सबसे जरूरी बात, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो भी देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो, काइंडली उसको बहुत गौर से और फोकस्ड किया करें उस पर, क्योंकि ये सारी लर्निंग होती है, ये हमारी जिंदगी में एडिशन हो रही होती है। और यही एडिशन अगर हम इसको अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो अच्छा प्लानर होता है, और जो अच्छा प्लानर होता है वो अच्छा सक्सेस उसकी जो होती है उतनी यकीनी होती है। इसलिए अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल पे, आपकी जिंदगी में जो वाकयात हो रहे होते हैं, आपकी जिंदगी में जो लोग आ रहे होते हैं, उनको बहुत फोकस्ड तरीके से आप ऑब्जर्व किया करें, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी लाइफ पे तवज्जो दिया करें। जब किसी से डिस्कशन करें तो फोकस उसकी बातें आप गौर से सुने, ठीक है? ये सारी लर्निंग आपके जिंदगी में काम आएगी। और फिर खूबसूरत तरीके से अपनी चीजों को प्लान करें, बेहतरीन अपनी जिंदगी में स्केच बनाएं। जिस तरह फिल्म डायरेक्टर होता है ना, वो बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक अपने जिल्म में, अपने जहन में एक फिल्म बना लेता है, वो फिर वैसे ही डायलॉग लिखता है, वैसे ही उसको पिक्चराइजेशन करता है, वैसे ही लोकेशन सेलेक्ट करता है, तो एट द एंड वो फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उसकी फिल्म उसकी जिंदगी की तरह, बल्कि उसकी जिंदगी उसकी फिल्म की तरह कामयाब हो जाती है। उसने जहां आप आज से 10, 15, 20 साल बाद अपने आप को देखा होता है, वो जो छोटी छोटी फिल्में वो डिजाइन करता है, जिन जो छोटी छोटी फिल्में बनाता है, वो उसकी जिंदगी की जो बड़ी फिल्म होती है ना, उसको सक्सेसफुल बना देती है। दोस्तों अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। एक दफा दोबारा मैं शकील साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जो वक्तन फवक्तन वो मुझे टिप्स देते रहते हैं और मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी एडवाइसेस मुझे देते हैं। तो सर आपका शुक्रिया, आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आप खुश रहें, आबाद रहें, लोगों के लिए आसानियां तकसीम करें, आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। जजाकल्ला।